रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो ज़िलों के रिलेटेड, और ज़िलों के रिलेटेड ऐसे है कि मैंने लास्ट ज़िलों वाली वीडियो लीड जनरेशन वाली में बताया था कि इसमें ना कॉम्प करके मैं दिखाऊंगा कि कॉम्प कैसे करते हैं और कॉम्प क्या है, इसके बारे में ARV निकालना क्या है। ये मेरी दूसरी प्लेस में है जो इंस्ट्रक्शन वाली सारी है, यहाँ डिटेल्स वाली रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट की, उसके अंदर है। ठीक है, तो ज़िलों पे लास्ट टाइम हमने निकाली थी, लीड जनरेशन की थी, लीड्स कैसे पुल करते हैं, फिल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों मैंने बनाई थी। तो MLS पे हम बना चुके हैं ऑलरेडी कि MLS पे किस तरह से करनी होती है, कॉम्प कैसे करने है, ARV फाइंड कैसे करनी है। अब वो ज़िलों पे करनी है। MLS का तो एक्सेस होता है, आपको इन्वेस्टर दे सकता है, एजेंट दे सकता है, आपका जो क्लाइंट है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपको प्रोजेक्ट मिलता है, को काम करना पड़ता है, तो वो यहाँ से आपको ज़िलों वगैरह से हो जाती है या प्रॉपसिंग से हो जाती है। तो अब की वीडियो जो है ये मैं ज़िलों पे बना रहा हूँ। और फिर से अगर नए आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मेरी जो ट्रेनिंग वीडियोस हैं आपको मिलती रहें या इन्फॉर्मेशन की है वो भी मिलती रहें। ठीक है जी, इसको थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। आ जाए स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये एड्रेस है, मैं सर्च कर लेता हूँ, इसका मैं कॉम करके आपको दिखाऊँगा। ये एड्रेस सर्च किया, 130 इसका ये मांग रहे हैं, 3 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, 1500 स्क्वेयर फुटेज की है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसका नीचे एड्रेस है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक हो गया, अब इसको डिटेल, क्योंकि हमें यही मेन चीज़ें एक दो होती हैं देखनी होती हैं कि सेम बाथरूम हो, सेम बेडरूम हो और स्क्वेयर फुटेज तकरीबन सेम हो, जो मैटर करती हैं ज़्यादा चीज़ें। हम अपने इसका क्या करना है, अब देख लिया कि इतना इसका क्या का क्राइटेरिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको देख लेते हैं, इस एड्रेस को ये देखें, 7213। ठीक है, हम इसकी रिमूव बाउंड्री कर देंगे, ये लोकेशन में आ रहा है जैसे MRS पे करते थे। करना क्या है, करना तो वही है ना, हमने हर चीज़ मैच करनी है कि यार इसका सेम चीज़ हो, स्क्वेयर फुटेज सेम हो, इसका जो है क्या कहते हैं यार, जो डोर्स हैं इसके, फ्लोर्स हैं इसका, किचन है, हर चीज़, यानी कि टोटल अपडेटेड हो, ये इस तरह की ना हो, रिमॉडल हुई हो। ठीक है, हमने मैप पे आ गए, जैसे हम उधर मैप सेलेक्ट करते होते थे, ठीक है, कॉम्प करने के लिए, हम यहाँ भी करेंगे। ये ड्रा का ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ड्रा कैसे करना, यहाँ पे था तो हमने ये एरिया जो है, सॉरी माउस को कुछ हो गया आई थिंक, दोबारा से क्या, हाँ ये एरिया अंदर दोबारा सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर जो लिस्टिंग्स आएंगी हमने ये देख लेनी है, निकालनी कौन सी लिस्टिंग्स है, ये खास ख्याल रखना है, निकालनी सोल्ड वाली। हम कॉम्प कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं जो बिक चुकी हैं प्रॉपर्टीज, हमने उनके साथ कंपेयर करना है। ठीक है ना, हम उनके साथ तो नहीं करेंगे ना जो अभी ऑनलाइन खड़ी हैं इस वक्त, उनका नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा जगह हो गई है, ड्रा करने दो इसको, दोबारा से हम ड्रा करते हैं इस एरिया में। ओ यार क्या कर रहा है, ड्रा, ठीक है, एरिया ड्रा किया मैंने, अप्लाई किया, यानी कि ड्रा करके उसी एरिया के सिर्फ हमें जो लिस्टिंग्स हैं वो दिखाई देंगे। 310 रिजल्ट्स आ गए आपके सामने। ठीक है, कैमरा मुझे छोटा करके ऊपर करना पड़ेगा, नज़र नहीं आ गया नहीं तो सही तरह से। अच्छा, अब क्या था उस प्रॉपर्टी की थी, 3 बेडरूम थे, 2 बाथरूम थे आई थिंक। ठीक है, 130 कर रहा था, 1500 स्क्वेयर फुटेज थी। अब यहाँ पर आप लोग स्क्वेयर फुटेज भी देखते जाएँ कि यहाँ स्क्वेयर फुटेज सेम में हमें या उससे मिलती जुलती में कौन सा मिलेगा। ठीक है, ये 2878 है, ये अच्छा, ये मैं कुरिया बता रहा हूँ आपको सामने वैसे देखने का। ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या करेंगे, आप प्राइस रेंज बेड्स एंड बाथ, ये हम लगा देते हैं 3 बेड 2 बाथ 3 2 प्लस करते हैं, और बाथरूम जो हैं 2 कर देते हैं। होम टाइप क्या था उसको रहने दो, लेकिन आप फिल्टर लगा के सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है, अब स्क्वेयर फुटेज मैं लाजमी करूँगा, 1252 कितने करना चाहिए, 1750 कर देते हैं। इसकी वजह क्या है ये करने की, ये मैंने इसलिए कि 1500 का वो था तो 1250-1700 के दरमियान वाले जो हैं वो सिर्फ शो होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, इसमें ज़रा इसकी फ़ोटोज़ देख लें, ये नया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और लेकिन सोल्ड ये बहुत पुराने हुए हैं, ये 2018 का है, ये भी 2018 का है,
एक चीज़ का ये भी रखना है कि हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि एक साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो सोल्ड है ना, हमने उसको देखना है, उसका फ़ायदा हो जाता है, उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि मार्केट जो है उसके हिसाब से चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा पुराना चला जाएगा तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इसका ये इसमें बहुत ज़्यादा है, बेडरूम बाथरूम ज़्यादा है, लेकिन एक आधा बेड बाथ ज़्यादा हो जाए तो उसका इशू नहीं होता। उसकी वजह ये है कि थोड़ा बहुत तो चलता है ना, क्योंकि उन्होंने जगह तो वही है ना, कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है, ठीक है, अंदर सेपरेशन ही होती है इनके, लकड़ी के तो घर बने होते हैं ज़्यादातर। अब ये देखो इसके इक्विपमेंट्स नए हैं, जैसे हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखना, MLS वाली, कॉम्प कैसे करते हैं, अरबी कैसे फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल मॉडल घर है, दरवाज़ा फोर डोर है, फोर डोर पैनल तो होना चाहिए था, सिक्स पैनल वाला होना चाहिए था, जो अब चल रहा है वहाँ के ट्रेंड है, लेकिन अदरवाइज बाकी ये वैसे भी रेंट के लिए है, 1125 लोग वहाँ करा, ये रेंट के लिए है, इसको तो हम नहीं करेंगे। यार ये क्यों अंदर आ गया रेंट वाला, रेंट वाला तो आना ही नहीं चाहिए था, अजीब सीन हुआ वैसे। बहरहाल खैर है, ये 15 वाला और इसको खोलते हैं। मीन्स के कॉम के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ कौन सी चाहिए होती हैं, जैसे MLS में हमने बताया था आपने पिक्चर्स से आइडेंटिफाई करना होता है। पहली चीज़ होती है आपने बेडरूम देखने हैं, आपने बाथरूम देखने हैं कि बाथरूम सेम बाथरूम्स हों, तकरीबन एक आधा का फ़र्क कुछ नहीं होता, बाथरूम में भी बेडरूम में भी, ठीक है, सेम क्राइटेरिया हो, स्क्वेयर फुटेज तकरीबन सेम हो, यानी कि हम जिस प्रॉपर्टी के लिए कॉम्प कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को, सोल्ड के साथ करते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो है, अगर हमारी तीन बेडरूम है और दो बाथरूम है, अगर हम चार बेडरूम तीन बाथरूम वाली भी करें, लेकिन स्क्वेयर फुटेज हमारे 1500 है, वो 1400 में, तब भी कोई इशू नहीं है, जो सोल्ड है, लेकिन वो रिमॉडल्ड है, बहुत अच्छी बनी हुई है, उसकी फ्लोरिंग नई है, उसके डोर्स नए लगे हुए हैं, जो सिक्स पैनल डोर्स हैं वो हैं, उसके इक्विपमेंट फ्रिज जो है, ओवन है, ये हर चीज़, स्टोव है, ये हर चीज़ नई है, नए मॉडल में कलर हुआ हुआ है, हर चीज़ यानी कि रिमॉडल्ड हुई है, फ्रेश टोटली रिहैब्ड होम, ठीक है। वो आप उसको जो है एज अ कॉम्प अपना ले सकते हैं, एज अ ARV आफ्टर रिपेयर वैल्यू, आप उसके लिए निकाल सकते हैं, उसको निकाल के आप उसके अपने जो क्राइटेरिया होता है, जो आपने फार्मूलाज लगाने होते हैं, 30% और 20 या 25% वाला सीन होता है, वो अलग चीज़ है, वो ऑफर भेजने के लिए जो होता है क्राइटेरिया निकालने के लिए, तो आप उधर निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये, आपने पिक्चर्स देख के आइडेंटिफाई करना है कि आपके किससे कंपेयर करो, फिर एरिया भी मैटर करता है कि एरिया कौन सा है, करीब कितने हैं, दूर कितने उस प्रॉपर्टी से, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी करीब से करीब तीन जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है और रिमॉडल्ड है, रिहैब्ड है, आपने उसको ही एज अ कॉम्प अपने उठाना होता है, एज अ ARV जो है वो आपने निकालनी होती है। ज़िलों पे आप यहाँ पे फ्री करते हैं, यानी कि हम फ्री वेबसाइट हैं, ये तो पैसे तो नहीं ले रही, जैसे प्रॉप्सिम वगैरह लेती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रॉप्सिम पे बनाएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। अभी इसका 3 बेडरूम 2 बाथरूम है, 115 का है, हम इसको ये निकाल सकते हैं। मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का ये नहीं कि मैं आपको पूरे को कॉम्प करके इस पर दिखाऊंगा, ज़िलों पे नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ फ्री कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो मेरी उधर पड़ी है भाई MLS के ऊपर, पूरा क्राइटेरिया तरीकेकार समझा के, क्योंकि वे मैं आपको वे समझा सकता हूँ, मैं हर प्रॉपर्टी आपको कॉम्प करके नहीं दिखा सकता, मैं आपको वे समझा सकता हूँ कि वे क्या है, करना किस तरह से है। जब आपको वे मैंने समझा दिया है, अगर आप समझ गए हो वे को, तो फिर आपको टेंशन नहीं, आप प्रोसीजर समझ गए, आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो। मैं इसके वैसे एक्सेस दूसरी तो नहीं थी, लेकिन मैं इस पर कर चुका हूँ, एक दो क्लाइंट्स के लिए अलहदा से ज़िलों पर मैंने काम करके दी और वो बहुत सेटिस्फाई हुए उन्होंने। मैं इंशाल्लाह उस पर शायद आपको जो ऑर्डर है उसको बना के भी दिखा दूंगा, रिव्यू भी, ये वीडियो बना के दिखा दूंगा कि उन्होंने मुझे 5-स्टार रिव्यू भी दिया उनका, अच्छा उन्होंने कहा भी आपने ज़बरदस्त काम करके दिया, मैंने यहाँ से उनको काम करके दिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी भी समझ आ गई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रॉप्स टीम पे, इंशाल्लाह मैं प्रॉप्स टीम में बना रहा हूँ उस पर भी ना, उस पर बल्कि थोड़ी उसको क्राइटेरिया चेंज है, तो बड़े मज़े की होगी वहाँ पे, कॉम बड़ी ज़बरदस्त होगी वहाँ पे, इंशाल्लाह कॉम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।